आज अभी हम जा रहे थे रोड में तो भोले बाबा ने दर्शन दे दिए हमें। जहाँ जो न्याय नहीं होता है रोड में वो न्याय यहाँ होता, तभी स्टॉप लगा रखे हैं अंदर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपका दोस्त एनी अनिल और आज का हमारा पहला ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज। तो सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो आप मेरे सपोर्ट करते हो हमेशा, तो मैंने सोचा आप ब्लॉग में ही बनाता हूँ ब्लॉग। आज हम पहले ब्लॉग में जा रहे हैं घोड़ा खान मंदिर, तो सोच रहा था मम्मी पापा लोग जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी चले जाता हूँ। आज हमारा जो पाठ है वगैरह वहाँ, तो अभी गुड मॉर्निंग हो चुके हैं और सुबह के 6 बजे हैं। अभी आप देख सकते हैं सामने सूरज भी आ चुका है, बढ़िया था। गाइस बाकी जो लोग तो रेडी हो चुके हैं, मैं भी रेडी होता हूँ अभी, आधा अधूरा रेडी हूँ ये देखो आप। ठीक है, तो अभी रेडी होता हूँ मैं। अभी मेरी कमरे की हालत देखो, अभी तो मेरे बिस्तर भी उठा रहा है, तो फिलहाल मैं भी रेडी हो रहा हूँ प्रॉपर। तो गाइस हो गया हूँ मैं रेडी, अब हम जा रहे हैं मंदिर को। ठीक है, और फिलहाल आज मेरा पहला ब्लॉग है, थोड़ा नर्वस फील हो रहा है मेरे को अंदर से, बस ब्लॉग में। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को प्यार आता हूँ। ये मेरी बाइक है, आप देखी होगी, यह एनी अनिल की बाइक। ये देखिए मेरी लोकेशन घर की, बहुत प्यारी लोकेशन है मेरे वहाँ की। तो ये आ गया मेरा डॉगी, अरे रॉकी हेलो। ये मेरे पापा मम्मी है, मैं हेलो बोल दो, पापा हेलो बोल दो, हेलो हेलो हेलो, आराम से आराम से। ये पापा मम्मी है मेरे, और ये गाइस मेरा घर छोटा सा प्यारा सा। देखो मेरे दादा और भाभी भी आ गए ऊपर से, ये दादा हमारे, पीछे भाभी आ रही है, हेलो बोल दे, हेलो हेलो भाभी, हेलो बोल दो, हेलो। अब हम चलते हैं घोड़ाखाल की तरफ अपनी गाड़ी में। ठीक है, और भी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में वहीं। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए घोड़ाखाल मंदिर में, और ये देखिए यहाँ दुकानें हैं, इधर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है आज तो। जय कुलदेवता की। गाइस हम पहुंचे आज घोड़ाखाल मंदिर, तो पहले ब्लॉग के दिन आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे हमेशा की तरह। चढ़ गया पापा लोग सीढ़ियाँ। हम बहुत दिनों बाद आए हैं ना, आज तो थक गया, साल भी फूल रही है, तो बुढ़ापा भी आ गया ऐसे। ये देखो सामने दिखाता हूँ आपको, ये है भीमताल, वाकई में बहुत प्यारा नज़ारा है भीमताल का। ये देखो चलो फाइनली गए, हम पहुंच गए मंदिर के अंदर, हम बैठ रहे हैं यहाँ पर, जूते वगैरह उतार रहे हैं वगैरह, तो पापा उतार लिया मेरी भाई। ये तो रहे हाथ पैर, अभी मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धोना जरूरी है, चाहे आप नहा के आए हो नहीं नहा के आए हो। फीलिंग यार सच में।
ये बताओ, जय हो गुरु देवता की, जय हो। ये देखिए गाइस कितना प्यारा नज़ारा है, घंटियाँ घंटियाँ घंटियाँ। आई होप आप लोग आए होंगे घोड़ाघाट मंदिर पहले। जय हो, यहाँ पहुँच गए। गाइस अभी हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, तो अभी यहाँ पर क्या है कि पूजा की तैयारी चल रही है, इसलिए अभी हम बाहर खड़े हैं। और ये देखिए गाइस नीचे भैरव बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं हमें, तो ये बहुत अच्छी बात है। तब तक का मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के दर्शन कराने, ठीक है। देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया सुंदर नज़ारा और एकदम आनंदमय, बहुत ही प्यारा लग रहा है। गाइस जो आपको यहाँ पर पन्ने दिख रहे हैं, ये मन्नतें हैं जहाँ पर लोग मांगते हैं। तो आई होप कि गाइस आप मेरा ब्लॉग इन्जॉय तो कर रहे होंगे ना, क्योंकि पहला ब्लॉग यार थोड़ा नर्वस तो हो रहा हूँ मैं आज, है ना। तो अब धीरे धीरे ब्लॉग बनाता रहूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं, जैसे इंदर आर्या जी हैं और रोहित पहाड़ी जी हैं और बहुत सारे फ्रेंड हैं जो ब्लॉग वगैरह बनाते, तो उन्होंने बोला यार कि ब्लॉग वगैरह बनाओ। तो मैं सोचा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो फाइनली आज घर वाले जा रहे थे घोड़ाघाट मंदिर, तो मुझे जाना ये चल ठीक चल मेरा ठीक है। तो हम पूरी फैमिली के साथ मेरे साथ पहला दिन है कई ज़्यादा हो गई है पूजा स्टार्ट, ठीक है। तो हम भी जाते हैं घंटिया खूब देर सारी, तो हमारी पूजा स्टार्ट होगी पहले। गाइस आरती पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो अब भक्त दर्शन कर सकते हैं आराम से। सामने बैठ जाऊंगा, चलो प्रसाद भी दे दो। कौन जीओ धुनिए में टीका लगाते हैं उसमें। सो गाइस सारे मंदिर के दर्शन के बाद हम पंडित जी से घोड़ाघाट मंदिर के बारे में कुछ जानेंगे। वैसे उत्पत्ति है जी, जगह जगह उन्होंने अपने हाथ में लगाया है, दरबार लगाया है। अच्छा अच्छा, कई है जी, अभी नीचे है भी, यहाँ से करीबन 3000 विनायक। अच्छा विनायक में वहाँ से फोटो आए। ठीक ठीक ठीक, कुछ गण कटे स्नान करे, स्नान को अच्छा होता है जी राजमान। तो गुरु जी जो यहाँ का घोड़ाखाल मंदिर है, जो भवानी में घोड़ाखाल मंदिर है, तो इसका मुख्य क्या है मतलब यहाँ पर? ये बहुत ही शक्तिपीठ है। अच्छा जी जी, जहाँ जो न्याय नहीं होता है कोर्ट में, वो न्याय यहाँ होता, तभी स्टाम्प लगा लेते हैं जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर गुरु जी यहाँ की कोई कहानी वगैरह है कुछ इस टाइप से? कहानी कहते हैं कि कोई जहाँ की लड़की संभाव आई थी। अच्छा अच्छा, मेरे गाँव की जो भी लिंग है ना उसको देती है, बादल बनाई है आप लोगों ने, उसका लिंग रूम में होली में सवार हाथ में खजू लिंग जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी यहाँ पर तो पूरी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी इच्छा मांगी जाती है यहाँ पूरी जाती है। आप ये तो आप खुद ही देख रहे हो जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ घंटे तो काफ़ी है तो उसके लिए। तो यहाँ पर तो काफ़ी शादी वगैरह भी होती होंगी है जी। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा हो जाते हैं। चलो बढ़िया बढ़िया। तो जहाँ पर शादियाँ होती है इधर
घर है घर पीछे शादियाँ होती है आराम से। तो अगर अगर आपकी भी होने वाली है मंदिर में शादी करने, आप तो आ सकते हो फिलहाल, तो मुझे बता देना, मैं आऊँगा। ये अंदर होती है शादियाँ, यहाँ ये हॉल है, ये अंदर में यहाँ शादियाँ होती हैं, पीछे खाने का होता है इधर, तो यहाँ पर अभी चाय। तो भाई लोग ऐसा है, अगर आप हॉल ही आए तो पक्का घोड़ाखाल मंदिर जरूर आए। जो भी आप मनोकामना लेके आते हैं वो सब पूरी होती है यहाँ पर, और बहुत सारे उदाहरण भी हैं यहाँ पर। तो कभी और आऊँगा मैं यहाँ पर, तो बैठेंगे फिर से, घर वाले भी सब चाय पीने लग गए हमारे। बहुत ही हमने अच्छे दर्शन कर लिया घोड़ाखाल मंदिर के, और बहुत ही मज़ा आया सुबह की आरती। हम आज एकदम अच्छे टाइम पर पहुँचे हैं, और पूरी आरती दिखा दी मैंने आप लोगों को। तो मिलते रहेंगे आप लोगों को हम अपने ऐसी ब्लॉग में, ब्लॉग लेते हुए। तो बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून मिला, और फीलिंग मैं बता नहीं सकता क्या। आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा फीलिंग के लिए। फाइनली गाइज हो गए हमारे घोड़ाखाल मंदिर के दर्शन, तो हम जा रहे हैं घर की ओर। अब आपको ऐसे ही रोज कहीं ना कहीं लेके चलेंगे, रोज नहीं तो हफ्ते में बस बिल्कुल लेके चलेंगे। तो गाइस अपने भाई को भी प्यार देना, सपोर्ट करना, और मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और गाइस मिलते हैं आपको हम बाद में। ओके बाय गाइस, एंजॉय योर लाइफ। गाइस अभी हम जा रहे थे रोड में, तो भोले बाबा ने दर्शन दे दिया हमें। सो गाइस इसी बात में मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और हाँ गाइस कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ।